नाव का तो यहाँ बहुत पुराना व्यवसाय रहा है। हम लोग शुरू से लेके आखिरी तक हैंड बोट का काम किया है। अच्छा। हैंड बोट चलाते हैं हम। हाँ। जब से मोदी जी आए हमारे तो वाह वाह हो गया। अच्छा। वाह 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 वाह, हम तो अच्छे हैं। रोज हर साल मोदी जी आए, हम लोग का काम आगे बढ़े, हम लोग को रोजगार मिले, और हम क्या चाहेंगे। कितना कितना हो गया, आपने तो वाह वाह बोल के ही सब कुछ बोल दिया। हाँ। लेकिन कैसे बदलाव आया है? बदलाव आने से पर्यटन आ रहे हैं दूर दूर दराज से। अच्छा। दूर दराज से लोग आते हैं, घूमते हैं, हम घुमाते हैं उन लोग को। अच्छा। भगवान विश्वनाथ मंदिर बना जब से कॉरिडोर, तब से बहुत कुछ बहुत कुछ। हाँ। तो आपके बच्चे भी इसी व्यवसाय में? हाँ, हमारे बच्चे भी हैं ये इसी व्यवसाय में। इसी में जी। तो अब तो चुनाव भी है। अच्छा, चुनाव उन्हीं को पड़ेगा हमारा। अच्छा, तो आप लोग पहले से? आप शुरू से दे रहे, जब से माने का नाम से मोदी जी हैं। हाँ। इसके पहले भी आओ कोई था भाजपा से, उनको भी देते थे हम लोग। अच्छा। हाँ, तो मतलब आपके कहने का मतलब कि बहुत बदलाव हुआ है, गंगा के सुधार भी हुआ, सफाई हो रहा है। हम लोग तो नाव बचपन से ही चला रहे हैं। बचपन से ही चला रहे हैं। अच्छा, मतलब आपके फैमिली में सब लोग नाव चलाने का ही करते हैं? हाँ, सब लोग ही करता है। ये बताइए कितना अब बदलाव आया है आप लोगों के बिजनेस में? कोई चेंज आया है? इनकम बढ़ा है? बहुत ज्यादा ही बढ़ा है। पहले भीड़ बहुत कम होता था, बहुत ही लोग आ रहे हैं, सब लोग ही नाव से घूमना चाह रहा है। बनारस आए हैं तो नाव से ही घूमेंगे। पहले से भी रोजगार भी बहुत ज्यादा ही बढ़ा है। तो आप कौन सा वाला बोट चलाते हैं, चप्पू वाला या? दोनों चलाते हैं। दोनों चलाते हैं। लोग ज्यादा किसमें जाना पसंद करते हैं? लोग दोनों में, कुछ लोगों का मन होता है कि हम चप्पू वाले में घूमे। चप्पू वाले में वो प्राइवेट जाता है, उसमें आवाज नहीं होता है, सुबह में सनराइज देखते हैं, सनसेट देखते हैं चप्पू वाले बोट से। और ये मोटर वाला होता है कि दूर तक सफर तय कराते हैं हम लोग, पूरा देख लेते। हाँ, फिर भी कितनी आमदनी हो जाती होगी अगर डेली की बात करें? इस समय तो देखिए कस्टमर बहुत कम आ रहा है, इसलिए कि इतनी गर्मी बढ़ गई है, धूप हो जा रहा है। बस देखिए अभी थोड़ी देर बाद इतना धूप, अभी ये हो गया इतना धूप, उसके बाद अब हम लोग शाम को आएंगे 4:30 बजे के करीब। वैसे जनरली आप लोग का कितना आमदनी हो जाता है डेली का? ऐसे कोई मतलब वो नहीं है कितना ही हो, कभी 500 हुआ, कभी 1000 भी हो सकता है, कभी 300 भी हो सकता है, कुछ इसका वे फिक्स नहीं है। तो आप लोग का फिक्स रेट तो होगा ना कि नाव से जा रहे हैं तो इतना लेंगे? 50 रुपए ऐसे लगता है, 100 रुपए लगता है नमो घाट में घुमा रहे हैं। हाँ, शेयरिंग वाला। हाँ। प्राइवेट जाते हैं तो चप्पू वाले से जाएंगे 400 भी लगता है, 500 भी लगता है आधा घंटा। हाँ, उसमें एक फैमिली रहेगी और कोई नहीं रहेगा। कई फैमिली एक दिन में घूम लेते होंगे ऐसे मौसम में जब सीजन रहता है? सीजन में घूमते हैं। अच्छा, ये बताइए कितना मोदी जी के आने के बाद से कितना बदलाव हुआ? सब तो बदला ही है, कुछ इसमें पुराना कहाँ है, सब तो बदल रहा है। चुनाव है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्योंकि आप तो युवा हैं, आप भी नाव के ही बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, नाव के, क्या सोच रहे हैं इलेक्शन में? इलेक्शन में तो अब जो चल रहा है चलने दीजिए उसको। नहीं, आप लोग की क्या सोच है? आप लोग की कोई सरकार से कुछ मांग है या जैसे चल रहा है उससे आप? सरकार से बस यही एक मांग है कि जो हम लोगों की नावें चल रही हैं उसको ही चलने दिया जाए, जो बड़े बड़े क्रूज आ रहे हैं बस उसको रोक दिया जाए। इसलिए जब वही चलने लगेगा तो फिर हम लोगों की रोजी रोटी पे फिर दिक्कत हो रहा है। पहले एक था, फिर अब 5 हो गया है। हाँ, तो इसके लिए कुछ सोचना चाहिए।